थैंक यू सो मच कोरबुक प्रेस क्लब को मेरे तरफ से पूजा के लिए शुभकामनाएं। नहीं, मैंने कमिटमेंट दिया था जब फ्लड आया था, लैंडस्लाइड हुआ था, कि जहाँ जहाँ भी कोई का भी मृत्यु हुआ है मैं वहाँ में जाकर उनको हेल्प करूँगा। मैं सब जगह में गया हूँ। बीरमणि का लाश थोड़े दिन पहले ही मिला सबको, और मैं यहाँ में खुद आया हूँ। मैं देखना भी चाहता था कि यहाँ में रास्ता कितना ख़राब है और इतने टफ कंडीशन में है, तो मैं आज आकर मैंने बीरमणि के वाइफ से, बीवी से आज मेरा मुलाकात हुआ। मैंने उनको चेक भी दे दिया है और मैंने सबको बोला है कि वो इतना अकेला, इतना दूर में रह रहा है, तो उनके लिए एक घर भी बनना चाहिए। उसके लिए भी अगर मेरे तरफ से कुछ मैं कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए। लेकिन देखिए, मैं जब यहाँ आता हूँ, अपने लोगों से मिलता हूँ, आप सबसे भी मिलता हूँ, प्रेस हो या आप लोग, सब मेरे तिपरासा है। मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि इलेक्शन के टाइम सब लोग इधर उधर जाते हैं, मैं इलेक्शन हो या ना हो, मैं सब जगह में जाकर अपना तिपरासा को मिलकर, उनका दुख समझकर, उनका कंडीशन देखकर, मैं अगर इवन 2% भी मैं अगर चेंज ला सका तो मुझे भगवान से आशीर्वाद मिलेगा। वी हैव टू हेल्प अ पीपल। और अगर हम लोग, अगर पार्टी का लीडर या खुद का महाराजा अगर पैदल 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल सकता है अपना बीरमणि का घर में जाकर उनके बीवी से मिलने के लिए, तो मैं भी अपने लोगों को एक मैसेज दे रहा हूँ कि अगर आपका राजा ये कर सकता तो आप ये क्यों नहीं कर सकते। आज इतना चर्बी क्यों आ गया आपके अंदर कि आप अपने ही लोगों को, अपने ही कम्युनिटी को उनके ख़राब समय में उनके पास जाकर ना मिले। तो मैं उनको भी एक इनडायरेक्टली मैसेज भेज रहा हूँ, जिनको समझना वो समझेंगे, जिनको नहीं समझना वो नहीं समझेंगे, लेकिन मैं अपना काम करते रहूँगा। आई लव माई पीपल, मैं अपने लोगों को प्यार करता हूँ। कोई भी कम्युनिटी हो, मैं अपने लोगों को, अपने राज्य को, अपने देश को प्यार करता हूँ, और मैं अपने लोगों को जहाँ भी हो सके मैं अपने तरफ से हेल्प करते रहूँगा। लोग कुछ भी बोले, मैं अपने लोगों के साथ, कोई भी हो, मैं हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच कोरबुक प्रेस क्लब को।